अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब, आपने नया चैनल खोला था न्यू एहसास के नाम से, ये आपका चैनल कैसा जा रहा है माशाल्लाह से, क्या रिस्पांस आ रहा है? और आप ईद भी आने वाली है, ईद के लिए आप आवाम को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं आप बताएं। वालेकुम सलाम निशान, अल्लाह का फजल है कि हमने जब से चैनल ऑन किया है लोगों ने हमें बड़ी पसंदाई दी है, लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया है और हमने न्यूज़ दी है माशाल्लाह, बहुत खुश हैं। मरीज एडवाइस कर रहे हैं, यूट्यूब कर रहे हैं और इंशाल्लाह भरपूर तरीके से हम काम करना चाह रहे हैं जो हमारी ख्वाहिश थी। एक मैं पैगाम देना चाहूँगा, अभी मैं चंद रोज पहले ईद की शॉपिंग करने गया तो मैंने जो वहाँ कपड़े लिए चार, मेरे जहन में ख्याल आया, मैंने कहा यार चार सूट मैंने बनवा लिए हैं और मुझे एकदम से ख्याल आया मुझे, तो मैंने दो जो सूट अपने पड़ोसी हमारे मैंने देखा मुनासिब थे उनको भगवान ने सिलाई के उनको दिए। इससे पहले हमने एक स्कीम शुरू की हुई है माशाल्लाह, आलम वेलफेयर की, वो जनरल सेक्रेटरी उनका, तो उससे हमने की थी कि पहले हमने गुजरा जो हम करते थे लूट मार होती थी, पैसा लोग आ जाते थे, शरीफ लोगों को सड़क पर लोगों को मिलता नहीं था, तो हमने भी मशवरा किया और उसके बाद हमने शुरू किया कि 2000 राशन 1000 पे 1000 का 500 में बड़ा कामयाब हुआ, मशाला चल रहा है। मुख्तलिफ आप देख रहे हैं हमारी वीडियो की, देख रहे हैं आलम वेलफेयर प्लस, तो बात यह है कि हमने उसी तरफ पर हम काम कर रहे हैं, फिक्र कर रहे हैं। मेरी एक राय है अवाम उन्नास से, पूरे पाकिस्तान में बसने ओवरसीज तमाम से, कि ये ईद अल्लाह पाक ने हमें नसीब की है और ये बड़ा बरकतों का महीना आती है हमारा जो है, इसके अंदर आप इतने चार रातों को इबादत में गुजारें, लोगों की खिदमत करें, ढूंढें लोगों को। और दूसरी बात यह कि महंगाई के तूफान है, एक अलमिया है हमारे साथ, लिहाजा मेरी एक राय है कि आप सब जो भी मुखर हजरात हैं, जो लोग हैं, फैमिलियाँ हैं, कुछ सेविंग करें मेरी तरह, और वो सब जो है अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, जो आप जानते हैं उनको आप जाके दें ताकि उनकी भी ईद हो। और इसी तरीके से आप जो है देख लें कि जो महंगाई के तूफान के अलावा जो लोग खिसक रहे हैं, सफेद पोशे मांग नहीं सकते, उनकी भी तो बच्चे हैं ना, हमारे घरों में अगर अच्छा बनता है, अच्छा पहनते हैं, सब कुछ करते हैं, तो क्या हमारा हक नहीं बनता कि हमारे पड़ोसी हैं, हमारे मोहल्ले में, हमारे इलाकों में हमारे रिश्तेदार हैं, हम ज़्यादा सेविंग करके उनकी खिदमत करें, उनको हम दें। यही हमारे नबी वसल्लम का पैगाम है, ये हमारे इस्लाम का पैगाम है कि भाई आप जो है दर्द बंदों का और उनके लिए आप रास्ता बने। तो मेरी सबसे दरख्वास्त है कि खुदा रहा इसके ऊपर तवज्जो दें ताकि हमारी ईद के साथ उनकी ईद हो, तो हमारी ईद और भी अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो मेरा ये पैगाम है और हमारे चैनल को आप जल्द से जल्द ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमारे न्यूज़ देखें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम जल्दी से मोनेटाइज हों और फिर इंशाल्लाह हम भरपूर तरीके से ईद के बाद आपको प्रोग्राम देंगे इंशाल्लाह। और हमने प्रोग्राम दिया है सस्ता राशन का और इससे भी इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।